अच्छा मेरे साथी, जवाहर फिल्म्स स्टूडियो रसड़ा बलिया के माध्यम से हम सभी साथियों के सहयोग से बिरहा के एक छे प्रस्तुति देने जा रहा हूं, जो इस कंपनी के डायरेक्टर आदरणीय बड़े भैया कमलेश भैया के देखरेख में और हमारे जितेंद्र भैया के देखरेख में और हमारे परम मित्र आप राधेश्याम जी के देखरेख में बड़े सहयोग आदर दुरार प्यार मिलेला हमन के एक ही ग्राम सभा के दोनों साथी भाई हैं जा भूमिका के लाइन में कहना बा मास्टर गजल का लाइन बा बड़ा सुंदर गजल बा मास्टर यह गजल के लाइन बा कि मेरे महबूब कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया प्यार मांगा तो भोली निगम को डाल दिया प्यार मांगा तो सही है गौर करेंगे ई तो गजल के लाइन रहल लेकिन भाव में कवि जी लिखलन किसी का इस धरा कि किसी का इस धरा पर अरे रहा है अभिमान नहीं किसी का बिना मर्जी के मालिक बिना मर्जी के मालिक हो सुबह शाम नहीं बिना मर्जी यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर नजम का लाइन लगल ब्रह्मा
इधर शीश ना झुकाए हैं। सेवा ना सत्कार किया कहानी समझ लो बिरहा समझे में आप लोगन के आसान पड़ी। वह समय के बाद एक सांप ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से घूमते हुए विष्णु लोक में पहुंचलन। आज विष्णु लोक में पहुंचलन हो भैया विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग पर माँ लक्ष्मी जी के साथ में सजन करते रहलन आराम करते रहलन विश्राम करते रहलन। ए भैया ब्रह्मा जी पहुंचलन विष्णु जी के नजर मिलल बा दोनों जना के नैन चार भइल लेकिन विष्णु जी ब्रह्मा जी के प्रणाम ना कइलन। यह बात के बड़ा उनके ठेस लगल कि बड़ा हमें अपमानित किया बड़ा विष्णु घमंडी है अहंकारी है बड़ों का आदर करना नहीं जानता है। ए भैया ब्रह्मा जी क्रोधित हो गइलन आज अब क्रोधित हो गइलन तो धिक्कारे लगलन आज धिक्कारत हुन तो एक ठे बात ले लगी गीत कलाइन बा जनी जई हूरू बाके देसलाए बलम जी जनी जई हूरू बाके देसलाए गौर करेंगे बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखलन कहना बा
अर्थ मन करे विष्णु बड़े घमंडी हो, अहंकारी हो, दुराचारी हो, बड़ों का आदर करना नहीं जानते हो, इसका दंड तुझे मिलना चाहिए। आखिरकार रे भैया और समय के बात बतावल गई, एक ठगीत लग गई। यह गीत का लाइन बा कि अरे टप्पो पो, अरे टप्पो पो, बजा बजा के हारनी हमें बुलावे बालबा, टप्पो पो बजा लेकिन गौर करेंगे विष्णु जी बोलत हुन बतावत हुन कि रे ब्रह्मा हमरे नाभि कमल से तोहार अवतार भई बतावे लगले, क्या बतावत हुन कि अरे त जग के, अरे त जग के हाय हम करता रही बतिया बतौलन कि हमरे नाभि कमल से तोहर जन्म भी लवतार भई, हमरे सामने बड़ बने लगल शर्म ना आवत बा, आदर से बुलावत हैं कि आवो बैठक कुछ समाचार कह दुख सुनावा, कैलन की खबरदार दूर हो जा, आज एकर तोहके सजा मिली दंड मिली। ओ समय के बात बतावल गईल मास्टर बिरहा शैली में। अरे मोरे राम कि प्रलय का दहिया, अरे टंका बज गया, अरे तो छाया घोरी अंधेरा लड़े जंगरन बंका, अरे हो बंका, अरे हो बंका, छाया घोरी अंधेरा लड़े जंगरन बंका, प्रलय का दहिया डंका बज गया। ये भी वो समय के बाद बतावल गई, दोनों अपनी अपनी सेना साज करके कुरुक्षेत्र में लड़ाई करे बदे तैयार हो गई लन हो भैया। वो समय के बाद बतावल गई ठग गीत लगी, वो तैयारी गीत बा मास्टर गौर करेंगे। आखिरकार अपनी सेना लेकर के चल देते हैं लड़ाई के मैदान में। वो समय के बाद बतावल गई कहना बा का
साथ ही ब्रह्मा जी बाण चलाते हैं, विष्णु जी काट देते हैं, लेकिन भैल का कि घोर युद्ध देखी देवा अरे गईलन घबराई अब बंद होई दूध बाटे यही में भलाई आखिरकार मेरे साथी धरती हिल गई, आसमान कांप गया, सब देवता लोग इकट्ठा होकर विचार करे लगलन आय है लगता है अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, इस लड़ाई को बंद कराना चाहिए। आखिरकार पूरा देवता लोग इकट्ठा हो गईलन, पहुंचलन कैलाश पर्वत पर जहां शंकर भगवान दोनों अखिया के बंद करके तपस्या में लीन हुन, ये भी आ जा करके प्रार्थना करे लगलन, आरजू करे लगलन। ओ समय कुछ देर के बाद शंकर भगवान जब अपन अखिया के खोललन हो, देखत हुन कि पूरा देवता गण सामने आयल हुन, का बात बा, पूछत हुन कि का बात बा, काहे आप सब आयल हुन, कहलन कि प्रभु आप ही अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या बताना है। कहलन की नहीं, बात साफ करके बताइए। कहलन के रे प्रभु, ब्रह्मा और विष्णु के बीच घोर युद्ध हो रहा है, लगता है प्रलय हो जाएगा। आखिरकार ओ समय के बात बतावल गई, मास्टर के गीत लग गई, गीत के बुल्लू चाचा अपने जमाने में बड़ा लहा के गावत रहलन, कैसे गावे, जवानी हमारी अरे माटी में मुआवता मुआवता दसे जीवन सोवे ना बल मुआता गीतिया के लाइन रहलन, लेकिन गौर करेंगे बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखलन, सारी देवता लोग हाथ जोड़ के खड़ा हुन और प्रार्थना करत हुन, गौर करेंगे क्या रात पावा पकड़ के बोले और पावा पकड़ के बोले और परले बुझात बांध रात बा तो स्वामी अरे आंखें बंद प्रभु अरे खोल जब नजारिया अरे थप सवार जूझ के गगारिया और खूनवा से लाल धर दी और
हे बतिया बतावे लगलन कि प्रभु जी ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच घोर युद्ध हो रहा है, लगता है प्रलय हो जाएगा। प्रभु कोई इसका विकल्प सोचिए, कैसे लड़ाई को बंद कराई जाए। ए भैया, वो समय शंकर भगवान अपने विमान पर जोन भूनकर विमान हल अपने विमान पर सवार हुए, कुरुक्षेत्र के करीब पहुंचलन। आज अब कुरुक्षेत्र के नजदीक पहुंचलन, जाके अंतर्ध्यान हो गई लन। अंतर्ध्यान हो गई लन तो एक घटना घट गई। का घटल कि कुरुक्षेत्र के बीच में एक अग्नि से लपलपाता हुआ खम्भ गाड़ दिहलन, जोना के कोनो पता ठिकान न बा। आखिरकार लड़ाई बंद हो गई, विचाराधीन हो गया, सोचे लगलन आखिरकार इस खम्भ कहां से आया और कैसे आया, कितने गहराई और कितने ऊंचाई तक है। ए भैया, आखिरकार यह फैसला भाई कि ये खम्भ का पता लगा ले, वे हम दोनों ने बड़ा हुई। उस समय के बाद बताओ लगे मास्टर विदेशिया का लाइन में बिचवा में खंभा गड़ली, और शंकर दोनों जना के बढ़ली, अरे पटवा लगावल जाई, सोचे दोनों मन में विचार कैले आसू का रूप विष्णु धैले कि चलले पताली, अरे लोक वही सामाइया, कि विष्णु जी आई वही सामाया। भैया बाबूजी, आखिरकार विष्णु जी सूखा रूप धारण किए, पताल लोक में चल दिहलन पता लगावे खातिर कि कितने गहराई तक एक खंभ गया है। लगाते लगाते नहीं लगा पाया, वापस आ गई लिन। विष्णु जी आकाश मार्ग से हंस का रूप धारण के लिए हुन, पता लगावत हुन, ऐलन देखलन कि विष्णु जी हमसे पहले मौजूद हुन। मन में पाप होखे लगल, सोचलन कि लगत बाकी विष्णु हमसे पहले में पता लगा के आ गईलन। आखिरकार सोचे लगलन, मन में विचार करते हुए उस खम्भ के करीब पहुंचते हैं, वहां एक जो है केतक का फूल पड़ा हुआ है, केतक का फूल खिल रहा है। विचाराधीन में हुवन, सोचत हुवन कि का हम चल के जवाब दे ही, लगत बाकी हमार हार हो गई। तब तक जो है केतक फूल आवाज देता है, प्रभु क्या सोच रहे हैं। कहलन कि इस खम्भ का पता लगाना है, लगता है कि हमसे पहले में विष्णु जो है पता लगा करके वापस आ चुके हैं, लगते हम हार गए हैं। ए भैया जब तना बतिया वो केतक फूल सुन ले कहले कि प्रभु कोनो बड़ी बात ना बा, चला उनकरा बोले से पहले में तू बोल दिया कि एक खम्भ का पता लगा चुकल है। कलन की कैसे हो सकेला, कलन की चला तोहरे संग में हम चल के गवाही कर देते हैं। आय हाय मेरे साथी पहुंचलन, आज अब यही पहुंचलन विष्णु के समीप में ब्रह्मा जी। कलन के रे विष्णु जी सुना, मैं इस खम्भ का पता लगा चुका हूँ। ये भैया तना बतिया जब सुनलन, विष्णु जी दोनों हथवा जोड़ करके दंडवत प्रणाम कीलन, कहलन की माफ कर दीजिए आप बड़े हैं, मुझसे गलती हो गई। आखिरकार इस सारा दृश्य शंकर भगवान अदृश्य होके देखत रहलन, बर्दाश्त ना भइल। आज जब बर्दाश्त ना भइल हो भैया, वो समय के बाद बतावल गई है गीतिया लग गई।
बाबा क्या लगावना अरे दगावना करावाला पिया हो घरवा गौर करेंगे शंकर भगवान अदृश्य हैं, क्रोध में दोनों नेत्र लाल लाल हो जाती है। वो समय के बाद बतावल गई कहना बा आखिरकार शंकर भगवान की दोनों नेत्र क्रोध में लाल लाल हो जाती है। दोनों नेत्रवा के बीच से एक थे शक्ति प्रकट भई, जीवना शक्ति के नाम भैरव शक्ति बतावल गई। आखिर हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, प्रभु आदेश दीजिए। क्या आदेश है वो समय बतावल गई। आखिरकार मेरे साथी वो भैरव शक्ति जब प्रकट होती है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। आदेश दीजिए प्रभु, केलन की ब्रह्मा की मुनि को काट डालो। लेकर के वह भैरव शक्ति अपने तलवार को टूट पड़ती है ब्रह्मा जी की मुड़ी काटने के लिए। ए भैया जे ही मुड़िया के कटलस हो भैया, उस समय तुरंत विष्णु जी हथवा जोड़ के कहन की प्रभु ऐसा मत कीजिए, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हम देवताओं का नामो निशान मिट जाएगा। बड़ा रिक्वेस्ट कैलन, मुड़िया तो उनकर मिल गई लेकिन श्राप दे दिलन। कैलन की जाओ ब्रह्मा इस मृत लोक में, कहीं भी तुम्हारा कोई पूजा वंदना अर्चना नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो उनके तक फुलवा रहल ओहू के श्राप दे दिलन। जा कोनो देवी देवता के स्थान पर तुहार जीवन बात चढ़ावा ना हुई। ए भैया ओ समय के बाद कैलन का दिमाग होश में आयल बा, हाथ जोड़ लेलन, कहलन की बड़ा गलती हो गई। ओ समय के बाद बताओगे मास्टर उहे गीत लगल।
मेरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई जो कुल में प्रभु, लेकिन गौर करेंगे बड़ा सुंदर भाव कबीर जी लिखलन कि मैं मूर्ख हूं अभिमानी हूं, कि मैं मूर्ख हूं अभिमानी हूं, मुझे दिन पर आप दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई अनजाने में प्रभु क्षमा कर दीजिए, अन्यथा अब से नहीं होगा, तो सृष्टि का पालन करता है, बतिया बतौलन ब्रह्मा जी की मैं गुमानी हूं, अहंकारी हूं, मेरा अहंकार या चूर हो गया, क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहलन की नहीं, श्राप श्राप होता है, जो लग जाता है वापस नहीं होता है। आखिरकार बतावल गई आल्हा वाली बात, आखिरकार कहलन की प्रभु माफ कर दीजिए। कहलन की नहीं, आप जो है जा करके भक्ति वंदना कीजिए, हो सकता है समय आने पर परिवर्तन हो जाएगा। तो आखिरी लाइन में गौर करेंगे, अरे तो सुन क्या सराब क्या तक नीर होला, हर ब्रह्मा का पूजा ही हो, ना ही मृत्यु
रवि घमंडी आज बनले हंकारी करनी के फाली आज दिहल त्रिपुरारी भैया। आखिरकार मेरे साथी वही आप लोग देखे होंगे मृतलोक में कहीं ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना वंदना नहीं होता है, चेतक फूल को भी देखे होंगे किसी स्थान पर देवी देवता के स्थान पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो आखिरी लाइन में बतावल गई जय जखार स्वामी गुरु जद्दू नितवाजवत बिहारी कथन करे कभी रामा शंकर बिरहा की तैयारी प्रलय का दहिया डंगा बगला